नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मझुआ विधानसभा सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। यह उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी है। वहीं पर आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की है, उनकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में जो मझुआ की विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पल्लवी पटेल को आप जान रहे हैं, पल्लवी पटेल भी यहाँ पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ा सकते हैं या समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिएगा, आने वाले समय में तो पता लगेगा। इनकी लोकसभा के अंदर आती है और यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए जाएंगे, जिसकी औपचारिक घोषणा केवल नहीं हुई है, केवल समाजवादी पार्टी ने केवल अपनी लिस्ट नहीं निकाली है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, रमेश बिंद जो अनुप्रिया पटेल के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े और एक आश्चर्यजनक तरीके से अनुप्रिया पटेल को लगातार पीछे किए रहे, लेकिन हाल फिलहाल में लास्ट तक हार गए। जो वोटिंग का ट्रेंड रहा, उससे पता लगा कि अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए पब्लिक ने वोट दिया था। बहुत बड़ा जंग श्रवण कास्ट का अगर बीजेपी के साथ ना होता, थोड़ा भी अगर खिसक जाता तो अनुप्रिया पटेल चुनाव हार जाती। ये आप मान लीजिए, कोई भी 37,000 से चुनाव जीते, 40,000 से चुनाव जीते, जो दो दो तीन तीन लाख वोटों से चुनाव जीत रहा हो, अगर वो 37-40-20,000 पे आ जाए, ये मान लीजिए कि जनता ने उसको हराने के लिए वोट दिया था। लेकिन वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, अपना दल की नेता भी हैं, रमेश बिंद दो नंबर पे रहे, बसपा यहाँ पर तीन नंबर पे रही। मैंने आंकड़े भी लाए हैं आपके सामने, सारा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, जातिगत समीकरण वगैरह क्या है। अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की लीडर हैं, इनको जो वोट मिला 4,71,631, रमेश एस बिंद को केवल 15 दिन के अंदर इस व्यक्ति को प्रचार करने का मौका मिला, क्योंकि इसके पहले रमेश बिंद, क्योंकि इस सीट पर पहले सपा ने राजेश एस बिंद को टिकट दिया था, उनका टिकट 2019 में भी सपा ने देने के बाद काट दिया, 2024 में भी देने के बाद काट दिया। तो आप समझिएगा 4,33,042 और 39 में अंतर आप समझ लीजिए कितने परसेंट के वोटों से, लगभग 3-3.25% के वोटों के अंतर से यहाँ पर अनुप्रिया पटेल चुनाव जीती। और मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मुख्य मुकाबला आपकी जो होगा भाजपा और सपा के बीच होगा। इसके पहले यहाँ के विधायक थे विनोद बिंद, जो निषाद पार्टी, संजय निषाद की पार्टी से चुनाव लड़े थे। अब की बार बीजेपी ने मूड बना लिया है कि वह खुद लड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निषादों की, बिंद की वोटों की संख्या ज़्यादा है। और आपने देखा रहा होगा बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, जिससे बीजेपी की खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में नहीं बन पाई। और मैं तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये विधायक थे, अब भदोही के सांसद बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनके खिलाफ हाईकोर्ट में ललितेश पति त्रिपाठी, जो समाजवादी पार्टी TMC से चुनाव लड़े थे, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी की है। हालांकि उस अपील का कुछ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते ज़्यादा कुछ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ लोग कहते हैं। कुछ लोग सपा के सांसदों के खिलाफ करते हैं, कुछ लोग भाजपा के सांसदों के खिलाफ करते हैं, क्योंकि निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। पार्टी तो अलग ही हुई, गठबंधन अलग चीज़ होती है, पार्टी अलग चीज़ होती है, गठबंधन कोई औपचारिक नहीं होता है, गठबंधन एक मौखिक होता है कुल मिलाकर के। तो आप समझिएगा, कोई गठबंधन से अलग हो जाए तो उसको कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये जो विधायक बने थे निषाद पार्टी की तरफ से बने थे, अब जब सांसद बन गए हैं तो बीजेपी की तरफ से बन गए हैं। इस मामले में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। बात रही यहाँ का आंकड़ा, मैं आंकड़ा सारा कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आदत है आंकड़ा पेश करना। और देखिए मझुआ, केवल मझुआ विधानसभा भी आप देखिएगा, जैसे कुछ लोग कहेंगे बीजेपी जीतेगी, कुछ लोग कहेंगे सपा जीतेगी, हम आपको आंकड़ा बता दे रहे हैं, आप लोग जिसको मानना हो मान लीजिए वो जीतेगा। अनुप्रिया पटेल को यहां पर वोट मिला इसी मझुआ विधानसभा में 94,061,
रमेश बिंद को 92,299, अनुप्रिया पटेल इस विधानसभा सीट के अंतर्गत केवल 1762 वोटों के अंतर से आगे रही। आप देख लीजिएगा 2024 के चुनाव में, यानी कि अनुप्रिया पटेल जीती हैं, एनडीए जीता है, लेकिन 1762 वोटों से। और 2022 में चले जाइए, जो भाजपा का वोट 103,000 था, सपा का वोट 69,648 था। भाजपा का वोट 42% था, सपा का वोट 28% था। देख लीजिए मार्जिन 33,583 के स्थान पे मार्जिन घट गया। अब आप देखिएगा 2017 में बीजेपी यहां पर चुनाव जीती थी, सुष्मिता मौर्य चुनाव जीती थी, 41,000 के वोटों का मार्जिन था, 27% सपा को वोट मिला था। सपा ने रमेश चंद्र बिंद को, बसपा दो नंबर पर थी, यहाँ पर बसपा दो नंबर पर थी, थपा तीन चार नंबर पर रही होगी, सपा ने किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया रहा होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा लगातार भाजपा का वोट कम होकर के 1762 पे आ गया है। और 2012 में जब सपा की सरकार थी तो यही रमेश बिंद चुनाव लड़े थे। देखिएगा रमेश बिंद 83,870 वोट पाए थे। अब आप समझिएगा 83,870 बसपा से चुनाव जीते थे, तो इसका मतलब इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर रमेश एस बिंद हैं। और चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, रमेश बिंद इन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, देख सकते हैं गांव गांव गली गली वोट भी मांग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इनका टिकट फाइनल है, ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इनसे अच्छा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा सीट पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं, मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ, ब्राह्मणों को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को भी ट्रांसफ़र ना के बराबर होता है, इसीलिए पिछली बार ब्राह्मण को 2022 में दिया था सपा ने, बुरी तरह हारी है। यहाँ पर दलित 61,000 हैं, बिंद 60,000, अगर बिंद को देते हैं तो बिंद भी इनके पाले में आ जाएगा, दलित भी इनके पाले में आ जाएगा, यादव तो इनके पाले में है ही, छत्री बीजेपी का वोट, बीजेपी भूमियार बीजेपी का वोट माना जाता है, मौर्य अगर ओबीसी को टिकट देंगे तो मौर्य भी इनके पाले में ज़्यादा आ जाएगा, मुस्लिम इनके पाले में रहेगा ही, पाल भी इनके पाले में, पटेल देखो जो कहा जाता है पटेल सबसे ज़्यादा है, पटेल यहाँ पर सबसे कम नीचे वाले में है, आप देखिए नीचे से सबसे ज़्यादा है, और प्रजापति यहाँ पर 10,000 हैं। पटेल की बात है तो अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रमेश बिंद चुनाव लड़ते हैं, जिसकी 100% गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव इनके अलावा कोई यहाँ पर लड़ नहीं सकता। यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं, यहाँ में एक अच्छी छवि रखते हैं। अब आप सोचिए 1762 वोट क्या होता है, लोकसभा में जब मोदी जैसा चेहरा, विधानसभा में तो मोदी का भी चेहरा नहीं रहेगा, अनुप्रिया पटेल का भी चेहरा नहीं रहेगा। तो आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।